हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मथुरा के लिए निकल रहे हैं। ये देखो सोहन भाई, ये आपको गुच्छू पानी वाले व्लॉग में भी ले होंगे। गाइस बाइक टेस्टिंग हो रही है अभी। और ये देखो सतीश भाई ने रीटेक लिया है, बहुत तगड़ा 101। सतीश भाई बताओ अभी क्या हुआ आपके साथ? भाई मेरे साथ हुआ ये है कि मैंने कैमरे से अच्छा खासा रिकॉर्ड किया और देख रहा हूँ कि गोप्रो ने मेरे रिकॉर्ड ही नहीं किया। गाइस सतीश भाई के साथ ऑलवेज ये सब चीज़ें होती रहती है। सो गाइस अभी हो रही है वेटिंग। ये देखिए अभी टोल पे खड़े हैं और अभी तीन चार बंदे हमारे पीछे रह गए हैं। वो ऐसे करता है आप क्या कर रहे हो? हम अगला प्रोग्राम क्या है? देखो इस बार पीयूष ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है हमारे साथ और पीयूष ने लगभग सही से पहुंचा दी है। जतिन भाई को ठीक है, बिल्कुल ये मैं पे आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं इसकी वजह से। और अभी तो वेटिंग हो रहा है, अभी चार बंदे ये देखो आगे चारों ये रे। चलो गाइस अभी ढाबे में मिलते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या हाल है भाइयों? गाइस देखो आज में फुल मस्ती हो रही है। सो गाइस ढाबे पे आ चुके हैं और ये टाइम जो हो रहा है 11 बज रहे हैं और ये जो जगह है खतेला सराय है और भूख बहुत ज़्यादा तेज लग रही है। अभी आपको एक सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात बताने वाला हूँ। अभी हमारे पास जो बाइकें हैं गाइस मेन्यू ये रहा और मेन्यू में इतनी सारी चीज़ें लिखी लेकिन हमने सिर्फ क्या बुक किया है सतीश भाई? क्या बुक किया हमने? क्या हमने बुक क्या किया है मेन्यू से? हमने सारा ही खरीद लिया है, हमने कहा पूरा ढाबा खरीद लेंगे हम लोग। गाइस मैं आपको बता दूं हमने सिर्फ आलू के पराठे लिए हैं लेकिन पूरा ढाबा खरीद लूंगा। और ये हमारे भाई बंधु बैठे हैं देखो, ये गुरप्रीत भाई अपने फोर में लगे हुए हैं, मयंक भाई भी लगे हुए हैं। सो गाइस जो मज़ेदार बात मैं आपको बताने वाला था वो ये देखिए, एक तो हमारी एक ये बाइक है KTM ट्यूब 250 cc और एक है हमारे पास FZ ठीक है, और तीसरी बाइक ये रही हायाबुशा CT 100। ये हमारे पीयूष भाई की है ये रे। और सच में सिर्फ इस CT 100 ने इन दोनों बाइक को फुल अच्छे से चेस किया है। गाइस हम यहाँ से निकलने वाले हैं तो वो मेरी मर्सिडीज खड़ी है, मैं अपनी मर्सिडीज से इंट्रोड्यूस करवा दूँ आपको। वो मेरी मर्सिडीज है, उसके बाद फॉर्च्यूनर खड़ी है। कहाँ है फॉर्च्यूनर? वो फॉर्च्यूनर व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। गाइस ये देखो पीयूष भाई कुल्लड़ चुरा के लिए आए हैं। पीयूष भाई निकालना कुल्लड़। ये देखो गाइस पीयूष भाई कुल्लड़ निकाल करके लेके आए चोरी करके। गाइस टाइम हो गया है 12 बज रहे हैं और हम ढाबे से निकल रहे हैं, अब हम आपको सीधा मथुरा मिलेंगे ठीक है गाइस। और ये पीयूष भाई देखो कैसे मेरे को देख रहे हैं टेढ़ा टेढ़ा। अभी जब सुबह मुड़ने हो तो वहां पे ये मूर्ता माती की बात मत करो यार। गाइस वृंदावन में एंट्री हो चुकी है, ये देखिए
और अभी रूम ढूंढने की तैयारी चल रही है। राधे राधे। राधे राधे गाइस, आज डे टू है और अभी सो के उठे हम सब। और अभी ये देखो पीयूष भाई, सतीश भाई, राधे राधे सतीश भाई, राधे राधे। साथ में कैसा लगा? बढ़िया, मजा आया। गाइस ये जो अभी हम यहाँ पर रुके हैं, ये यहाँ से मतलब मंदिर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। और एक्चुअली क्या था, होटल जो थे वो सारे बुकड हैं, मतलब यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने एक रूम लिया है। सतीश भाई बताओ कैसा है, मतलब ये अनफर्निश्ड है? बाकी आपको सतीश भाई अच्छे से गाइड करेंगे। ये जो है अनफर्निश्ड रूम है, अनफर्निश्ड रूम भी नहीं कहूँगा, हाउस है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या किसी का पर्सनल हाउस है। तो फिर यहाँ पे होली के फेस्टिवल के चलते ना, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे ना देना शुरू कर दिया है, कि कोई भी आता है आउटसाइडर तो फिर उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। तो काफ़ी ठीक है, आप देख सकते हो रूम भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैम भाई, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, हरि बोल, हरि बोल। तो मैम भाई, रूम कैसा लगा आपको? एक रूम अच्छा काफी, चलो क्लीनिंग है यहां पे। गाइस मैं आपको बता दूं, यहां पे जो रूम का चार्ज है वो हमें 2000 रुपए है, और हम यहां पे 10 बंदे थे, 10 बंदे थे तो वही 200 रुपए का राउंड पड़ेगा। मैं आपको अभी रूम दिखाता हूं और भैया से ही मिलवाता हूं। गाइस मैं अब आपको रूम दिखाता हूं, और ये जो है यहां के ओनर है, ठीक है? तो जय श्री राधे। चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे उम्बा अरिम्बा। ये देखिए गाइस, ये रूम है और यहाँ पे हम 10 बंदे रुके थे, और अभी एक भाई वॉशरूम में गए हैं नहाने के लिए, तो वहाँ का मैं शूट करूँगा नहीं। सो गाइस ये है रूम। चलो गाइस मिलते हैं अब। सो गाइस राधे राधे। गाइस हम अपने पहले डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। ये एक्चुअली बाबा नी करोरी वृद्धाश्रम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे बैक साइड पे। चलो अभी अंदर चलते हैं। गाइस ये देखिए, ये वृद्धाश्रम है, ये देखिए इस तरीके का बना हुआ है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, सीताराम सीताराम सीताराम। जय सियावर राम। गाइस यहाँ पे जो यहाँ पे इन सब के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पर इसके बारे में जो भी होगा वो गूगल से सर्च करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। राधे राधे, राधे राधे। गाइस ये देखिए यहाँ पे समाधि स्थल बना रखा है। गाइस आप आश्रम देखिए कितना बड़ा है।
बहुत बड़ा आश्रम है एक्चुअली। वैसे मैं आपके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। चलो गाइस चलते हैं।